तो पूरा लाइन रे रह कि माने अगरु आ बुकिंग कर कि नो छथि ता पेपर भी मिल दिन से मिलु नै अपॉइंटमेंट हां इतना अलग आ जाता है कभी कभी हमको देने के लिए भी तकलीफ होता है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम कहाँ पे आए हैं सुबह सुबह मौसी चकुड़ी। अगर हम कटक में रह के अगर मौसी चकुड़ी ट्राई नहीं किया और उसका ब्लॉग नहीं बनाए तो ये कुछ आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ पे पहुँचे मौसी का चकुड़ी ट्राई करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल में यहाँ पे चकुड़ी बनता है। अभी तो फिलहाल मौसी शायद तबीयत ख़राब है, मैं आके बात किया तो मौसी का तबीयत वगैरह ख़राब है इसलिए मौसी नहीं कर रहे, तो उनका बेटा कर रहे हैं। तो अभी उनका बेटा से बात करेंगे और यहाँ पे चकुड़ी कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल में। और पर पीस सिर्फ 10 रुपया है। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम पहुँच गए 7 बजे ये ट्राई करने के लिए। तो अभी हम ट्राई करेंगे ये वाला। आप वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हो आप ऐसे ही कुछ। ये है एड्रेस, मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी बाज़ार नंदी साई। और ये ऊपर में देख सकते हो कैनरा बैंक है। ये कैनरा बैंक के पास यहाँ पे आपको मौसी का चकोड़ी दिख जाएगा। देख सकते हो यही स्टाइल में यहाँ पे कुक होता है। अभी फ़िलहाल मौसी नहीं है तो यहाँ पे मौसी का जो बड़े बेटे हैं और उनका बहू यहाँ पे अभी फ़िलहाल चला रही है वाला स्टॉल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे ये चकोड़ी चल रहा है। तो अभी हम जाएंगे अंदर और देखेंगे चकोड़ी कैसे प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे है आपका ये जो चकोड़ी का जो बैटर होता है यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल में पकाते हैं। ये वाला क्या है अंकल? चटनी है। अच्छा, और इसका अंदर क्या है, मतलब इसका ऊपर जो देते हैं आप इसका अंदर क्या है? पानी है। और इसका ऊपर ही डायरेक्टली ऐसा देते हैं। अच्छा, इसका ऊपर एक कपड़ा है, इसका अंदर और एक कपड़ा है, उसका ऊपर डालते हैं, वही कपड़ा से निकलते हैं ना। तो ऐसे ही ओल्ड स्टाइल में देखो यहाँ पे, फिर और एक कपड़ा यहाँ पे चला गया। यहाँ से बैटर लेंगे, देख सकते हैं। ये कौन से साल से चल रहा है चकोड़ी वाला? ये 60 साल हो गया। 60 साल हो गया ना। मौसी बनाते थे, फिर हमको 1 साल हो गया। तो मौसी पहले बनाते थे और अभी 60 साल हो गया ये पूरा शॉप का, ये जो स्टॉल है मौसी का। अभी मौसी का घर में नहीं है? घर में है ना, बेड पर है। यहाँ पे नहीं आ पा रहे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, नहीं तो मौसी से ज़रूर मिलते हम। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही आपका चकोड़ी प्रिपेयर होता है। और उसको किसका साथ देते, मतलब साथ में क्या देते? चटनी, लहसुन की चटनी। वही वाला चटना ना, लहसुन मिर्चा और धनिया पत्ता नमक, ये वाला चटनी में इतना सारा चीज है जी। अच्छा, ये भी यहाँ भी है। ओके, ये दोनों में चकोली प्रिपेयर होता है जी, जी। तो देख सकते हो अर्डर पर सब बुक हो जाता है, फोन पर अर्डर कर देते हैं। भाई के दे चटना सुबह लेके चले जाते हैं। मेरे को 53 साल आज चला, 53 साल हो गया मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरा घर ही पड़ोसी में है, मैं सुबह 5 बजे आता हूँ बिना दांत घसे खाना खाने के लिए इधर। और यहाँ पे मतलब इतना साल से सुबह सुबह आके चकोली ट्राई करते हैं। हाँ, कैसा लगता है आपको इनके चकोली? वो तो टेस्ट है, इसलिए तो भाग के आते हैं यहाँ से। नहीं, अब तक जटनी भुवनेश्वर पूरी तक आदमी फ़ोन करके, ज़्यादातर डॉक्टर लोग का मौसी का डिमांड है। और मौसी का तबीयत ख़राब होने से बच्चा लोग सब आके मेडिसिन दे के जाते हैं मौसी को, ऐसा भी सिस्टम है। हाँ, इतना प्यार करते हैं उनसे। अच्छा, मौसी जब से थे तब से चालू हुआ था, तब से आप मतलब ट्राई कर रहे हैं? ये तो मैंने छप्परगढ़ था। अच्छा। ये भी बाद में छाते हुआ है, उसी हिसाब से चल रही है। यहाँ से भाई बेंगलोर वगैरह दूर दूर जगह तक मौसी का चकोड़ी पहुँचता है। आप समझ सकते हो मौसी का चकोड़ी का कितना डिमांड है। उनका बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अलग अलग जगह में आपको चकोड़ी मिल जाएंगे लेकिन स्टाइल में जो बनाने वाला ये वाला आपको नहीं मिलेगा। अभी तक कहीं पर नहीं मिलता है, 60 साल हो गया। हाँ, 60 साल हो चुका है लेकिन ये वाला जो स्टाइल है मौसी का ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वाला मौसी ने इंट्रोड्यूस किया था ये स्टाइल ना जी? ये वाला मौसी का ही स्टाइल है। तो अभी यहाँ पे भैया और ये भाभी फॉलो कर रहे हैं। कितना बजे से खुल जाता है शॉप सुबह? 5 बजे। 5 बजे से खुल जाता है जी।
अच्छा तो 5 बजे खुल जाते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे गूगल में दिखाया कि 6 बजे से खुलता है। नहीं, 5 बजे हम रेडी कर देते हैं, अगर जिसका ऑर्डर रहता है वो दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, फ्लाइट पर जा रहा है, 5 बजे लेने से वो 7 बजे जाते हैं फ्लाइट। हाँ, यहाँ से लेके जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर चेक चाक करके वो जाते जाते 2 घंटा लग जाता है उनको, 5 बजे ले जाते हैं दिल्ली में हमसे। अच्छा, आपका आपका नाम एक बार बता दीजिए। जी, मेरा नाम बाबूला है। बाबूला जी, उनका बड़े बेटे आप? जी, हम बड़े बेटे हैं। अच्छा, और आपका नाम अभी? उर्मिला। अच्छा, आप सुबह सुबह अभी डेली यही साफ करते हैं? हाँ, दोनों हम बैठ के चला लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो सुबह सुबह अभी मौसी का जो काम को जारी रख रहे भैया भाभी, ये हम चकोरी ऑर्डर करेंगे और खाएंगे, टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है। मैं तो पहली बार है, इसका भी पहली बार है ना, तो पूरा लाइन रे रही कि मैंने आगुरु आर बुकिंग करी कि नो चंदी ता पर भी मिल दिन से मिलू नहीं कौन करी। जब वो फोन पर ऑर्डर कर देते हैं, हाँ, माना इतना ऑर्डर आ जाता है, कभी कभी हमको देने के लिए भी तकलीफ होता है, उसके लिए हम 4 2 चूल्हा लगाया है। तो खाने के लिए भी यहाँ पे सुविधा है ना, पार्सल लेना पड़ता है? नहीं, खाने के लिए भी सुविधा है, खा सकते हैं। खा सकते हैं ना? जी जी, खाई पेरी वो पार्सल भी नहीं पेरी वो ज़्यादा पार्सल जाता है, खाने वाला जो शौक से आते गरम गरम निकलेगा, गरम गरम खाएगा, उसका टेस्ट अलग होता है। अच्छा ठीक है, चलो हमारे लिए खाने के लिए दे दो। जी, कितना दो? दो। तो यहाँ पे अभी खाने के लिए देंगे, उल्टे उल्टे देता हूँ, एकदम गरम गरम चकोरी यहाँ से निकला और वो चटनी का साथ सर्व होता है भाई, देख सकते हो। लेफ्ट हैंड से ले रहा हूँ, सॉरी। हाँ जी जी, तो ये वाला चकोली ऐसा सर्व होता है। ये जो चटनी है इसमें क्या क्या बोले थे, अदरक है, लहसुन है? नहीं, अदरक नहीं, लहसुन धनिया पत्ता। अच्छा, लहसुन मिर्चा और धनिया पत्ता ना, तो ये देख सकते हो चकोली। अभी ये टेस्ट करेगी, टेस्ट करके आपको टेस्ट बताएगी। अभी मैं टेस्ट करने को जाऊँगी मौसी चकोली। चटनी कैसा लग रहा है? रागो बहुत टेस्टी चटनी, पूरा मतलब मैंने पूरा पनीर टू भी सॉफ्ट, छेना 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 टू भी सॉफ्ट है। तुम खाई दो रेटिंग्स देना है क्या कुछ? 10 से 10। तो अभी मैं टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ मौसी का चकोली, और एकदम चटनी का साथ सर्व होता है भाई। यहाँ पे कोई घुगुनी आलूदम आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चटनी मिलेगा, चटनी के साथ सर्व होता है। तो अभी मैं टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक दिख रहा है, और ये जो सबसे ज़्यादा स्पेशल जो चकोली है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है भाई। ऐसा सॉफ्ट चकोली शायद और कहीं पर नहीं मिल सकता, ऐसा सॉफ्ट चकोली देखो भाई, इतना ज़्यादा सॉफ्ट चकोली, एकदम स्टीम में मतलब बनाते हैं, एकदम स्टीम में प्रिपेयर होता है। चलो अभी मैं टेस्ट करता हूँ इसका, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनका ट्राई करने के लिए। ओ माँ, क्या स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तीखा है, लेकिन ओहो, ये जो चकोली है ना, ऐसा चकोली शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, इतना ज़्यादा सॉफ्ट चकोली। और ये जो स्टाइल में पकाते हैं ना, ये भी यूनिक है, और उनका चकोली भी भाई बहुत ज़्यादा यूनिक है, एकदम मतलब शायद ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट दुनिया में कोई चीज़ अगर होगा तो ये सबसे ज़्यादा फूड में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है भाई, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। बाकी जो चटनी में है ना, चटनी में बहुत ज़्यादा मिर्चा है, तीखा है, तो ये तीखा इसलिए ताकि आप खा पाओ, नहीं तो एकदम ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा, तो इसीलिए ये चटनी का तो सर्व करते हैं। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप अगर कटक में हो या तो कटक में आते हो, ये वाला ब्रेकफास्ट कभी मिस मत करना, एक बार ज़रूर कर लेना। क्या जो जगह का जो लिंक है, लोकेशन है, सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसका मदद से आ सकते हो। बाकी मेरा रेटिंग तो इसका मैं क्या बताऊँ, तो 100 में 100 है, मतलब मौसी का तबीयत ख़राब है, नहीं तो मौसी को भी आपको दिखाता, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मौसी, मतलब मौसी से बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैंने वैसे देखा था अलग वीडियो में। तो बाकी हमारा वीडियो इतना ही था, हम ये मौसी का चकोली दिखाने वाले थे और टेस्ट करने वाले थे, तो टेस्ट कर लिए भाई। एक फूडी का हिसाब से ये वाला चीज़ टेस्ट करना ही चाहिए कटक में,
तो आप आके तो आप आके अगर ट्राई करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपने खाया होगा कभी तो कमेंट सेक्शन में उसको भी बता देना। बाकी फिर मिलेंगे ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर चैनल पर नहीं होना जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। कितना पार्सल जा रहा है? ये कहाँ पार्सल जा रहा है? तो जी कहाँ पे जा रही है? ये जाएगा कैंटनमेंट रोड। अच्छा, सीधी है? सीधी है, सीधी ना ना, यहीं पर बक्सी में जाता। इसमें कितना चकुड़ी है? 20 चकुड़ी ना। आठ अक्टूबर बनेगा 10 वाला। ओह अच्छा, ये टोटल 30 चकुड़ी जा रहे हैं वहाँ। 30 का ऑर्डर है। 30 किसका, 40 किसका, 10, 20।